हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शरद एंड आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो ये मेरा पहला ट्रिप है दोस्तों के साथ और हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, जो कि उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। सो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो कि 34 किलोमीटर है नैनीताल से। लखनऊ से काठगोदाम पहुँचने के बाद हमने कार बुक किया और जैसे जैसे हम नैनीताल की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ की हरियाली, झरने, पहाड़ और ठंडी हवा मुझे और मेरे बाकी फ्रेंड्स को बहुत सुकून दे रहा था। तो एक घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंचते हैं नैनीताल और पीक सीजन होने की वजह से वहां पे रूम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद हमें फाइनली एक रूम मिला जिसका बहुत प्यारा व्यू था। आइए देखते हैं। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूं नैनीताल और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा सीन है। और क्योंकि यहाँ पे पीक सीजन चल रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है नैनीताल में, तो हम लोग को रूम बहुत ढूंढने के बाद 2300 का पड़ा है और मैं उस रूम को पूरा दिखाऊंगा आपको और साथ में उसके बाहर का व्यू दिखाऊंगा जो विंडो को थोड़ी दुखेगा। तो चलते हैं रूम की तरफ और आप भी आ सकते हैं, लेकिन आप पीक सीजन में आएंगे तो प्रिपेयर होके आइएगा, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा रूम। सो ये सामने हम लोग का रूम है और ये मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, सत्येंद्र और रामभद्र और संदीप, सौरभ, और ये 21 बैच के सीआर हैं आईडीएम से अयोध्या में। और ये हम लोग का रूम है, यहाँ पे 4-5 लोग रहेंगे और काफ़ी कॉस्टली पड़ा है सीजन होने की वजह से, लेकिन जो बाहर का व्यू है काफ़ी अच्छा है, इस वजह से हम लोग ने ये रूम सिलेक्ट किया है। सो फटाफट तैयार होने के बाद हम पहुँच गए नैनी झील देखने और वहाँ हमने मछलियों को ब्रेड खिलाने के बाद टिकट काउंटर से पैडल बोट का टिकट लिया और नैनी लेक के सेंटर में पहुंचने के बाद हमने वहां का नज़ारा देखा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव व्यू था, क्योंकि जो नैनीताल लेक है वो 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है और एक अच्छा व्यू देता है और ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमने इस मोमेंट को बहुत इन्जॉय करा। फिर यहां से जाने के बाद हम गए नैनीताल स्टेडियम और जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सो आप वीडियो में देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है और बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं। सो बच्चों के साथ मैंने भी फुटबॉल खेला। नैनीताल में मुझे कुछ स्पेशल मिला है खाने के लिए और वो फ्रूट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ब्रिकोल्ड है, खुआनी जिसको बोलते हैं, जो सूखा हुआ आता है थैली में, और ये का फल है, पहाड़ी फल है ना का। अच्छा, पहाड़ी फल है, इसका बीज भी खाया जाता है, पेट सफाई करता है। चलिए, थैंक यू भैया। तो नैनी लेक का व्यू देखने के बाद हम सारे दोस्त नैनी झील के किनारे स्थित नैना देवी टेम्पल पहुँचे और माना जाता है कि देवी सती की आँखें इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए यहाँ पर इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराया गया था। नैना देवी टेम्पल से निकलते ही आपको बाहर मिलेगा तिब्बतियन मार्केट और तिब्बतियन मार्केट में आप चीज़ें खरीद सकते हो। वहाँ से निकलने के बाद मुझे दिखा नाइट व्यू ऑफ द नैनीताल झील, सो बहुत अच्छा लुक था। फिर वहाँ से हम गए मॉल रोड की तरफ, जहाँ पर टूरिस्ट और लोकल पीपल वहाँ पे वॉक करते हैं और शॉपिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं द ब्यूटी ऑफ द इवनिंग ऑफ द नैनीताल सिटी। सो आप वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें खरीद सकते हो और वहाँ पे लोकल इवेंट्स होते रहते हैं रोड पे, आप उसे इन्जॉय कर सकते हो। नेक्स्ट डे हमने 3 स्कूटी रेंट पे लिया और पहाड़ों के बीच से होते हुए हम पहुंचे भवाली, जो कि 11 किलोमीटर था नैनीताल से। रास्ते में हमें मिला सेल्फी पॉइंट और आंखों को ठंडक पहुंचाता हुआ माउंटेन व्यू। ये मेरा पहली दफ़ा था जब मैं माउंटेन्स के बीच में स्कूटी या बाइक चला रहा था, सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। स्कूटी चलाने के 1 घंटे बाद हम पहुँचे भवाली एंड द व्यू आर वेरी ब्यूटीफुल। भवाली पहुँचने के बाद हम पहुँचे घोड़ाखाल गोलू देवता टेम्पल, इसे घंटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर में चारों ओर घंटियाँ टंगी थी और पेपर्स पर विशेष लिखी थी, और ऐसी मान्यता है कि गोलू देवता इन विशेष को पूरी करते हैं। घोड़ाखाल मंदिर में दर्शन करने के बाद 2 किलोमीटर आगे बढ़ते ही हमें मिला चाय का बागान, जिसे हम टी गार्डन के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो टी है उसके प्रोसेसिंग को देख सकते हैं और यहाँ के पैकेजिंग को देख सकते हैं। टी गार्डन घूमने के बाद हम पहुँचे भीमताल, जो कि 11 किलोमीटर दूर है भवाली से। भीमताल को प्राइम डेस्टिनेशन माना जाता है नैनीताल का एडवेंचरस ट्रिप के लिए, और साथ ही साथ इसे नेचुरल ब्यूटी का हब माना जाता है।
अगर आप भीमताल आए हैं तो आप ज़रूर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी एडवेंचर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, जॉर्बिंग बॉल, माउंटेन क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। भीमताल में टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े सात ताल की तरफ, जिसके बीच का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर वाया रोड। काफ़ी भूख लग चुकी थी तो हम रास्ते में रुक कर मैगी के ट्रेंड को पूरा किए, और पहाड़ों की मैगी बहुत टेस्टी होती है, सो अगर आप जा रहे हैं पहाड़ों के बीच तो मैगी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फाइनली हम सात ताल की तरफ पहुँचते हैं, और सात ताल जो है इंटरकनेक्टेड लेक है फ्रेश वाटर का, 7 इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक है, और सात ताल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है नेचर लवर के लिए और फैमिलीज के लिए। वहाँ पे आप कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कैंपिंग लेक के अराउंड और बोटिंग। वहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं स्पेसिफिक सीजन में, तो वहाँ पे आप माइग्रेटरी बर्ड्स भी देख सकते हैं। सो इट वाज माय ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन द सात ताल। जय माता दी, जय श्री राम। हम लोग ट्रैकिंग करके आए हुए हैं, और हम लोग सिंपल रास्ता अडॉप्ट कर सकते थे, बट हमें किसी ने बताया कि ये शॉर्टकट है, तो हमने रिस्क लिया। बट आप ऐसा मत करना, और ये मेरे पार्टनर है, थक चुके हैं और पानी की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, बट यहाँ पे पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। और हम लोग नैनीताल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, जिसे हम चाइना पॉइंट भी कहते हैं, साथ ही साथ उसका दूसरा नाम है नैनी पॉइंट, जहाँ से पूरा नैनीताल अच्छा दिखता है। ये सामने देख सकते हैं, ये इन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट कर दिया है, और आप बताइए कब हटेंगे? अभी तुरंत हटेंगे। करते वक्त हमें कुछ दोस्त मिले हुए हैं, और ये चाइना पॉइंट से वापस आ रहे हैं, तो ये बताएंगे चाइना पॉइंट कितना टाइम लगता है और आने में कितना टाइम लगता है, जाने किस वक्त जाना कितना बेटर रहेगा, बताइए भैया। भाई दोपहर में लंच के टाइम पे निकलो, 2 घंटे की ट्रैक है। हाँ, 2 से 2.5 घंटे की। भाई पैरों की हालत खराब हो चुकी थी हमारी जब पहुंचे हम, 2.5 घंटे ऊपर जाना पड़ता है, मतलब मजा आएगा। ठीक है, हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और मजा हम भी एक बार तो मजा हम भी लेना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट। फाइनली हम पहुंच गए चाइना पीक। सो ओवरऑल ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैं इसे पूरे लाइफ भर ये भूलने वाला नहीं हूँ। और इस ट्रिप ने मुझे इंस्पायर किया है और भी ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए प्लेसेस को। थैंक यू ऑल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।